बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली है। किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में लिखा है कन्हैया जैसा हाल करने की बात कही गई है। चिट्ठी में धमकी देने वाले का नाम कादिर अली राजस्थानी लिखा गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस धमकी के बारे में मुख्यमंत्री गहलोत को चिट्ठी लिखकर सूचित किया। आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा ने कन्हैया लाल के परिवार को एक महीने की सैलरी देने का फैसला किया है, जिसके बाद उन्हें अब धमकी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा को कल धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में कादिर अली राजस्थानी ने लिखा है कि उनका हाल, उनका हश्र कन्हैया लाल जैसा होगा। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ। उनको धमकी भरा खत आया है। सर, क्या है पूरा मामला, क्या कहा गया है? कल ही एक पत्र मिला है जो राजस्थान के किसी स्थान से 9 जुलाई को लिखना हुआ, उसमें अंकित किया गया है। दरअसल में कन्हैया लाल का जो सर कलम किया था, तो उसके बाद में उदयपुर में गया था और उनके परिवार से मिला था। उनकी माली हालत देखते मैंने मेरे एक महीने की तनख्वाह की उनको घोषणा की थी, दे भी दी। उसका ज़्यादा जिक्र है और तुम हिंदूवादी हो और तुम ऐसे उनको करते हो, तुम गुस्ताखी कर रहे हो, हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे भी हालात वही कर दिए जाएंगे जो कन्हैया लाल के हुए थे। ऐसा पत्र किसी समाज कंटक ने, देशद्रोही ने, समाज पर कलंकित लोगों ने लिखा है, जिसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है। वहाँ के आला अफसरों को, DG है, AC सोहम है, उनको भी पत्र भेज दिया है और माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इंटरनल सिक्योरिटी भारत सरकार को भी पत्र की कॉपी दे दी है। किसी संगठन ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने लिखा है पर्सनल कैपेसिटी से? कादिर अली राजस्थानी नाम उसमें अंकित किया गया है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसे शरारती तत्वों का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है राजस्थान में। वहाँ की सरकार दरअसल में ऐसे तत्वों के साथ रियायत करती है, क्योंकि आप जानते हो स्वभाव से हमारे मुख्यमंत्री तुष्टीकरण के आदि हैं और वहाँ कई ऐसी बड़ी घटनाएं, करौली की बड़ी हिंसा हुई जिसका मुख्य मुलजिम मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। भीलवाड़ा में सरेआम चाकुओं से गोद गोद के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। जोधपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंसा की और ये कन्हैया लाल का सर कलम कर ही दिया और रोज धमकियां मिल रही हैं। कानून की लचर व्यवस्था है राजस्थान में और एक वर्ग विशेष के प्रति मुख्यमंत्री जी का दया का भाव है, ये कहीं ये चाहिए राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रोटेक्ट करने का भाव है, जिस कारण से ये स्थिति बनी है कि राजस्थान में धमकी देने की बाढ़ सी आ गई है और इससे पूरा राजस्थान भय के वातावरण में है। क्या लग रहा है, ये किसी एक व्यक्ति की का खुराफात है या कोई संस्था है? ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन हमारे वहाँ PFI बहुत एक्टिव है। पहले हमारे वहाँ सिमी बहुत एक्टिव हुआ करती थी जो प्रतिबंधित हो गई, वो सिमी के लोग PFI में शिफ्ट हो गए और वो जैसे करौली की घटना में स्पष्ट रूप से PFI का हाथ आया, जोधपुर की में भी PFI का हाथ आया। तो ये संगठन के लोग कल एक वीडियो वहाँ भी जयपुर में का जारी हुआ था, सर कलम से करने से बात कही थी कोई गुस्ताखी करेगा, तो ये PFI और ऐसे एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ हमारे राजस्थान में, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।